गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हमारे न्यू बॉर्न बेबी के साथ दिन ऐसे निकल रहे हैं ना, रात भर तो वो जगता है और दिन भर वो सोता है। सो अभी हो गया सुबह का टाइम और ये देखो अभी तो जाग रहा है। ये देखो कैसे देख रहा है, टुकड़ देख रहा है, टुकड़। अच्छू छिक आ रही है, छिकी छिकी आ रही है उसको लगाया छिकने के लिए। रात में तो बहुत परेशान करता है वो, मतलब पता नहीं कुछ दिक्कत होती है या क्या होता है, बट आज उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। कि अभी लेके जाएंगे, पापा भी ड्यूटी गए, पापा आएंगे फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी 1 बजे की अपॉइंटमेंट ली हुई है हमने। अब तो उसको ऐसा समझ में आने लग गया ना कि जब ऐसे लेटा हो ना बेड पर, समझ में आ जाता है कि मेरे को बेड पर लेटाया और जैसे ही ना हाथ में ले लेना तो चुप हो जाता है। ये देखो ऐसे बस ऐसे झूला झुलाते जाओ। और हमारे दूसरे सरकार कहाँ हैं, दूसरे सर जी हैं, देखो पढ़ाई कर ले देखो। हाँ, और आज तो जरा सा भी इसको नहीं देखो ना तो ये ऊपर ही चढ़ जाता है। अभी ऐसे ही कुछ सीन हुआ था कि वो उसको छोटे बच्चे को लेटा के रखा था और ये जाके ना ऊपर ही चढ़ गया उसके। सो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, काम कर लेते हैं फटाफट से, और बहुत सारे काम है। आज मम्मी ने मनीषा के लिए मटके में पानी चढ़ा दिया है चूल्हे पे। हमारे यहाँ ना चरुआ दिया जाता है पीने के लिए डिलीवरी के बाद। सो उसमें क्या क्या डालते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। मम्मी ने पानी चढ़ा दिया है स्पेशल पानी पीने के लिए, जो कि सिर्फ डिलीवरी में ही पिया जाता है। मम्मी लगी हुई है किचन में काम करने के लिए, मुस्कान बर्तन साफ कर रही है, एंड मैं देखो क्या कर रही हूँ, मुझे लगानी है झाड़ू। फटाफट से घर की झाड़ू निकालते हैं। दादी को रात भर नहीं सोने देता है। कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसको मम्मी पानी में डालेंगे, और ये उबला वाला पानी है ना उसको मनीषा को देंगे। इसमें क्या क्या है चरुआ में डालने के लिए, इसमें औषधि रहती है, मतलब कुछ कुछ। ये लकड़ी खाएगी मम्मी, खैर ये खैर की लकड़ी डालेंगे। अरे अरे भूख लगी इसको, भूखा है, भूखी लगी। नया चरुआ रखते हैं, बट हमारे पास नया नहीं है तो हम पुराना ही रख रहे हैं। ये मटका है, मटके में डाल दिया मम्मी ने पानी, पूरा मटका भर दिया। और ये पैकेट, ये जो पैकेट के अंदर निकला था उसको पोटली में बांध के डाल दिया है। और ये है खैर की लकड़ी, तो बस इनका कलर आ जाएगा, ऐसा कलर हो जाएगा ये पानी का, एकदम कलर ही चेंज हो जाएगा। बस अब इसको कितना पकाएंगे, आधा हो जाएगा इतना। हाँ, ये अभी पूरा यहाँ तक मटका भरा हुआ है, इतना हो जाएगा ना, इतना पकाएंगे, पक के बिल्कुल काढ़ा जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको पानी पीने को देंगे गरम गरम। ये लकड़ी खाएगी, बड़ी अच्छी जल रही है। इसके अंदर भी खैर की लकड़ी और बाहर पकाएंगे तो उसमें भी खैर की लकड़ी। सही है, खैर की लकड़ी से ही पकता है और इसके अंदर भी खैर की लकड़ी है, तभी अच्छा चरुआ बनता है पीने का। ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं कि भाई खैर के लकड़ी से पानी ही पकाया जाता है। तो इसके लिए पानी रेडी हो रहा है। और इसमें ये पता है किस किस चीज के लिए है, पसलियों के दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, जैसे ठंडी लगती है, पसलियों के दर्द के लिए, बलगम, इन सब चीजों के लिए ये पुड़िया को डाला जाता है पानी के अंदर। स्टार्टिंग में दिया जाता है गठुआ एंड अजवाइन का पानी, उसके बाद थोड़े दिन बाद ये चरुआ का पानी दिया जाता है, एंड फिर उसके बाद वो फिर अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट करेगी। हमारे घर में खटिया कसने का काम चला है, मनीषा ने लेट लेट के पूरी नीचे कर दी थी, अब जाके उसको उस पलंग पे शिफ्ट किया है, अब ये लोग टाइट कर रहे हैं खटिया को। मम्मी बाबू को बना रही है गाजर का हलवा, एंड इधर बन रही है कटहल की सब्जी, और क्या बनेगा, और ये यहाँ पे बनेगी मूंग की दाल मनीषा के लिए, और समा के चावल जो मनीषा को मिलेगा, यहाँ दाल, मूंग की एंड समा के चावल, और बाकी ये वाला जो खाना है वो हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैं बैग खोल के बैठी हुई थी क्योंकि मैं थोड़े बहुत सामान या कपड़े वपड़े रख रही थी। और हमारा बाबू देखो क्या कर रहा है, बाबू हमारा टाइम पास करता है। आज मम्मी ने फिर से मनीषा को दाल चावल रोटी दिया है, कल मिला था वही आज मिला। ये पानी रखा है, छो ना बाबू छो रहा है। सो गाइस, अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि बेबी का ना रूटीन चेकअप होना था, और उसका वो डॉक्टर चेक करता है कि वो पीलिया वगैरह तो नहीं है। सो आज देखा सब ठीक है, चेक करवा लिया हमने, डॉक्टर को दिखा लिया है, एंड अभी घर जा रहे हैं हम उसको लेके। और परसों फिर से बुलाया है, फिर से चेक करेगा डॉक्टर की कैसा है क्या है। बाकी तो अभी ये देखो सो रहा है मस्त, गाड़ी पे तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको, तो सो गया था। और घर पे जरूर परेशान कर रहा था, रो रहा था, बट जैसे गाड़ी पे बैठा ना तो चुप हो गया था, बिल्कुल भी नहीं रोया। और बस चेक करवा लिया है डॉक्टर को, अभी हम लोग निकलते हैं फिर यहाँ से, और उसकी अभी फिर वो मालिश वाली बाई भी आ जाती है, तो
फिर मालिश करती हैं, सो घर निकलते हैं। एंड ये देखो बाबू कैसे सो रहा है, मस्त फ्रेश फ्रेश हवा ले रहा है। चलो घर के लिए निकलते हैं। मालिश करना एक घंटे तक। हाँ भैया, दो घंटे। बाबू आपकी भी ऐसी मालिश होती थी और ये आंटी मालिश करती थी आपकी ऐसी, बिल्कुल ऐसे औंधे लेटा के करती थी, आपको बहुत मजा आता था। जैसे बाबू को मजा आ रहा है, देखो देखो रो रहा है, रो रहा है। आपको भी मालिश करवानी है आंटी से? हाँ? करवानी है। मम्मी का लाल पानी काढ़ा बन गया, देखो लाल पानी पिएगी आज से मनीषा। आज लाइट चली गई है, पता कितने बजे से लाइट गई हुई? लाइट चली नहीं गई है, शेड्यूल मेंटेनेंस है। अच्छा। लाइट नहीं है, जो भी हो बट लाइट नहीं है, पूरे घर में अंधेरा हो रखा है। और इसको देखो मैं ऐसे लेके घूम रही हूँ क्योंकि मच्छर ना बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बाबू तो गए अपने दादी के साथ घूमने के लिए, एंड इसको मैं लेके घूम रही हूँ क्योंकि मच्छर हो रहे हैं पूरे घर में। ये देखो इसको, जब देखो जब सोता रहता है। हॉस्पिटल से आने के बाद मालिश होने के बाद फिर सो गया और अभी भी सो रहा है। अभी रात के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि रात में सबको परेशान कर रहा है। हमारे बाबू का नाम आया भासे। भासे कोई नाम अच्छा हो तो हमारे बाबू का नाम बताना। भासे हमने रख दिया भगत सिंह। भाषा से कोई नाम समझ नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सा और अच्छा सा। देखो मम्मी कैसे कर रहे, देख सेम रुद्रांश जैसा लग रहा है, ऐसे ही लगता था बाबू भी। दादू पे ही जाएगा ये भी, देख पूरा फेस एक्सप्रेशन, लड़के लोग हर स्टाइल सोने का सब ऐसे ही दादू पे ही जाएगा।